हाय चाहे वो मस्ती में मैंने लिखा हुआ है ना, श्री राजेश कुमार वाला कुछ सीरियस चलेगा। हाँ तो कैसा चल रहा है भल्ला कॉलिंग भल्ला? अरे बहुत फन। कैसा रिस्पांस आ रहा है? गुड रिस्पांस एज ऑफ नाउ। जिन लोग देखा है फ्रॉम द इंडस्ट्री आउटसाइड, यू नो दे ऑल कैन रिलेट, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द होल शो। और फन यार, मतलब द होल कॉन्सेप्ट इज फनी, सो एंड इन द रियल स्पेस दैट्स द बेस्ट। सब रिलेट कर सकते हैं खुद से एक्चुअली। डिड यू गेट टू वॉच? I may not able to hear you properly. मतलब I can see you, but थोड़ा सा सुनने में। अभी यार पास अच्छे से। थोड़ा I think Wi-Fi issue from your side. Yeah, it's perfect now. I think. अभी ठीक है? Yeah, it's better. Okay. I think कि वो थोड़ा सा issue है आज सुबह से ना हमारे net का। Okay. थोड़ा problem है। अभी आ रही है क्या आवाज? या। तो बताइए फिर किस क्या, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है आपका खुद का ओरिजिनल वाला, वो कैसा चल रहा है? बहुत मजेदार यार, मतलब सच वंडरफुल टाइम टू बी यू नो विद फैमिली। सो लॉट ऑफ कुकिंग हैज हैपेंड इन दिस मंथ। मतलब द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कुकिंग इज कि जिस दिन से हम लोग लॉकडाउन में गए हैं उस दिन से लेके आज तक सिर्फ रोटी चावल ही रिपीट हुआ है, बाकी कोई भी मेन्यू हमने रिपीट नहीं। ओके, चैलेंज ऑफ ऑलवेज कुकिंग समथिंग न्यू। आप क्या बनाते हैं राजेश जी? एवरीथिंग आई प्रेफर, आई मीन आई एम वेरी गुड वेजिटेरियन कुक, नॉन वेज डेफिनेटली नहीं, बट वेज में कुछ भी है, फ्रॉम राजमा टू छोले टू पूरी टू भटूरा टू यू नेम देम, फ्रॉम कबाब टू एवरीथिंग। नॉन वेज ना? नो नो, आई डोंट यू डोंट ईट? अच्छा, ओके ओके। माय वाइफ एंड माय दे ईट, बट आई हैव ओनली मेड मटन वंस फॉर देम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब वेजिटेरियन में बर्गर पिज्जा सब बनाया मैंने। योर फैमिली इज ब्लेस्ड आई मस्ट से। अरे मतलब डेफिनेटली वाइफ है, और तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना खाना बनाने में कि आपको डिसाइड करना कि क्या बनाना है। हां तक पहुंच बहुत मुश्किल। ट्रू ट्रू दैट, स्पेशली द डिनर, मतलब डिनर इज वेरी टफ टू डिसाइड। हां मतलब लंच तो फिर हो जाता है कि पहला है तो अच्छा ठीक है चावल दाल कर देते हैं, रोटी कर देते हैं, राइट। डिनर में अब क्या बनाएं, एंड 5 बजे शाम से वो जो घूमना शुरू होता है ना दिमाग में, एवरीवन कैन रिलेट, सो दैट्स व्हाट भल्ला कॉलिंग भल्ला इज। थोड़ा सा खाने की कोशिश कर रहा हूँ उनको ऐसे। हाँ, थोड़ी सी ग्रीनरी लग रही है। तो अभी उसमें तो दिखाया है कि आप लोग मतलब चारों मेंबर्स अलग अलग जगह पर कहीं फंसे हुए हैं, जैसा कि ट्रेलर से लगा हमें। तो रियलिटी में अभी कौन कौन है आपके साथ घर में? मेरे मम्मी पापा पटना में हैं। यहाँ पर मैं, वाइफ और दोनों बच्चे हैं। इनफैक्ट मैं और मेरा छोटा बेटा, वी वर इन फिनलैंड ऑन 12th ऑफ, सो वहां पे लास्ट फ्लाइट पता चली कि ऑपरेशनल है, इसके बाद कोई भी फ्लाइट नहीं होगी, सो रश्ड बैक। अदरवाइज मी एंड माय यंगर सन वुड हैव गॉट स्टक इन फिनलैंड। बच गए, पहुंच गए हम लोग। सीरियसली, वरना बहुत प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम तो क्या, वहां भी रहने का था, वो तो घर पे ही था, बट
तब यहाँ पे फिर लोग अकेले हो जाते होते हैं तो एक अलग ही कंफर्ट लेवल होता है, वो एक चीज है। तो पापा मम्मी बस। तो वहाँ पे क्या सीन है अभी? पटना इज आई थिंक बेटर देन मुंबई ऑफ कोर्स, एनी डे बेटर। एंड वो लोग ज्यादा आइसोलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं बिकॉज़ बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट कम है ना, वो घर है के अंदर आप फिर कोई ना आ सकता ना बड़े। यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो स्पेसिंग की, स्पेस का इश्यू है। यू हैव वेरी एक्टिव एंड मेंटली इन्वॉल्व्ड नॉट टू थिंक लॉकडाउन एज सच। सो इसमें एक रिस्पाइट जो हम लोगों को मिला वाज भल्ला कॉलिंग भल्ला, बिकॉज़ माय वाइफ वी आर एब्सोल्युटली इन्वॉल्व्ड इन इट कि सारा शूटिंग जो है कैमरा वर्क इज डन बाय हर। तो शूटिंग हुई कैसे, कितनी कितना टाइम लगा, कितना एक दिन में कितना पार्ट शूट करते थे, कैसे होता था, हाउ यू गाइस कोऑर्डिनेट विद एपिसोड इज नॉट टू लॉन्ग, 8-9 मिनट या 10 मिनट है, आर पार्ट हार्डली 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स हियर एंड देयर। तो फिगर्ड आउट टाइम, जनरली क्या होता है ना, फर्स्ट हाफ बिकम्स वेरी हेक्टिक फॉर नॉर्मल शेड्यूल, तो this is the time from 3 to 5 when everyone is free, you know. So lunch ho gaya, sab kuch sab settle ho gaya, uske baad jo 3 to 5 always short, 2 ghante mein hum log khatam. Ek aadh jo hai wo pura episode mera aa gaya, uski shooting jo hai wo 2 din mein divide karni padi, because aap chahte ki just शूटिंग ही नहीं है, लाइटिंग, घर में बच्चे हैं, चिड़िया खाना खाने आ रही है, तो साइकिल लेके जा रहा है, यू नो, इतने सन्नाटे, प्लस यू हैव टू यू नो द होल एम्बिएंट साउंड, यू हैव टू कंट्रोल योर किड्स, यू हैव टू कंट्रोल पड़ोसी एट टाइम, पड़ोसी खिड़की पे आके हल्ला कर रहा है तो भी आपको डिस्टर्ब है। So keep all in mind, I mean, this is the time when everyone is little, you know, khana kha ke rehte hain, aaram karne wala, and but generally a day I think is enough for one episode for every comedy ke do maharathi hain isme, Raj wo Gaurav Gera, unko to hum jante hain, कम नहीं है वो, मैं तो उनकी शक्ल भी देखती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती, एक्टिंग तो बहुत मतलब दूर की बात है, मतलब चेहरा देख के हंसती हूँ। आप बताओ आप दोनों के बीच का कैसा कैसे ट्यूनिंग है, दोनों कॉमेडी के बादशाह हो, आप लोग हंसते ज्यादा हो या बात ज्यादा करते हो? कॉमेडी के जो एक्टर्स होते हैं ना, जब आपस में बात करते हैं तो जनरली सो जाते हैं तो बीच में सटल वन लाइनर्स चलते हैं हमारे और उसके, बट प्रेफर्ड बिकॉज अगर हम दोनों ही सिर्फ बात करने लग गए ना तो अगर जूम और बात ही नहीं कर पाएगा, सो वी हैव टू मेंटेन दैट डेकोर कि चलो ठीक है बस नहीं बोलते हैं, बाकी हम दोनों चैटिंग बीच में चैटिंग कर करके एक दूसरे को बोलते रहते हैं। तो कौन किस तरह की कॉमेडी का एक्सपर्ट है, मतलब आप किस तरीके की कॉमेडी में माहिर हो और उनकी कॉमेडी का कैसा है वो लेवल? वेरी वेल वर्स्ड विद यू नो एनीथिंग टू डू विद मोबाइल द गैजेट्स यू नो स्क्रिप्ट्स कैरेक्टर्स यू नो करके वो जो आजकल बिली मार या जो भी में and when it comes this kind of platform, you know, bhalla ko bhalla, I mean, I admire his presence on screen, you know,
मेरा क्या होता है कि मेरा थोड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, आई नीड गुड स्क्रिप्ट, गुड डायरेक्शन, यू नो, टू ब्लूम. मेरी मिट्टी खाद चाहिए एक अच्छे सुंदर फ्लावर में बनने में. कहीं जाऊं कमल नहीं. तो मैं कह सकता हूँ कि वो गेरा जो है वो कमल है. मतलब एनी एम्बियंस, चाहे वो सुंदर सा पौधे हो, गौरव गेरा लाइक लोटस फ्लावर. And I, you know, to be nurtured and थोड़ा सा अच्छा पानी डालो, थोड़ा खाद अच्छा होना चाहिए, थोड़ा पेस्टिसाइड टाइम पे आ जाना चाहिए. तो सुन, so it's something like that. Right. तो एक्चुअली क्या है कि सारा भाई तो हम लोग ह्यूज फैन है, ह्यूज वाले फैन है, और कोई एपिसोड मिस नहीं किया, वन हो टू हो बिल्कुल नहीं. और मेरे हस्बैंड ने अपनी मम्मी को मामा बुलाना शुरू कर दिया था, आज तक वो वैसे ही बुलाते हैं. हमारे जो आपके जो फैंस, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट हमको आई है कि आप उसमें से कोई एक डायलॉग अपने स्टाइल में जरूर सुनाइए, वो जरूर सुनाइए हमें. हमें रोशेश का भी एक रूप देखना है. आज एक है वो मामा का पर्स, मामा का पर्स, हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स. मामा के पर्स में रखा टिश्यू पेपर करता है का इलाज, और लिखो जैसे भूखों का अनाज. मामा के पर्स का वली सा स्पर्श, मामा का पर्स. क्या बात है. तो ये टोन आपने खुद ने क्रिएट की थी या किसी ने करवाई थी आपको? नहीं नहीं, ये तो मतलब डेफिनेटली आतिश भाई पूरा डिजाइन हुआ, जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गया 16 साल उस घटना. तो उनमें से किसी के टच में हैं आप अपनी उस फैमिली के किसी के? सब लोग अभी सारा भाई रीरन भी हुआ था, रिपीट टेलीकास्ट हुआ था. वी हैड मीटिंग एंड गुड कॉन्वर्सेशन. तो एक तरह से इनडायरेक्ट जूम पार्टी हो गई थी हमारी. अच्छा, ओके. तो और कौन सा जॉनर आपको पसंद है राजेश जी? आप और क्या क्या देखते हैं, क्या खुद एक्ट करना चाहते हैं, क्या पसंद है? आई आल्सो प्रेफर नेगेटिव जोन अ लॉट, ओके, बिकॉज़ इट्स चैलेंजिंग अगेन. क्योंकि कैरिंग अ स्वीट फेस, कैरिंग एन इनोसेंट फेस, और उसमें से नेगेटिव निकाल, वो थोड़ा एक चैलेंज होता है फॉर द ऑडियंस टू एक्सेप्ट दैट ही कैन बी अ विलन. I'm down to certain meaty role which has negative elements in it. Okay. और वैसे आपको किसी और का role उस किरदार में पसंद है, negative role में किसको पसंद करते हैं, कौन actor आपको पसंद है? I love Paresh Rawal. Okay. Because I think complete actor in himself. Multi talented. Comedy, whether it is emotion, whether it is you know villain. मैं जो परेश जी ने किया, आई थिंक इज द यू नो वन गुड एग्जांपल ऑफ दैट. कमल हसन इज वन ऑफ यू नो कैन आल्सो परफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ स्टफ. नॉट मेनी पीपल मेंशन देम, बट दीज आर टू पीपल हु नीड लॉट ऑफ यू नो एडमिरेशन फॉर द काइंड ऑफ वर्क एंड द जॉनर दे हैव. यू नो दे आर देयर, दे फिट इन ऑल काइंड ऑफ जॉनर. आई मीन मेंबर मुझे रणधीर जी, रणधीर कपूर बोलते थे कि मदनपुरी साहब जो एक्टर थे, तो वो बोलते थे कि बतौर एक्टर ना आपको कांदा बटाटा होना चाहिए, आलू प्याज होना चाहिए, जिसमें हर सब्जी को आपकी जरूरत पड़े. यू नो सो एक्टर दैट ओनली, कि नहीं मैं सिर्फ बैंगन ही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. You should be आलू प्याज. आलू को बैंगन में भी डालो, आलू को शिमला मिर्च में भी डालो, गोभी में भी डालो, सब कॉम्प्लीमेंट, सबके रंग में रंग जाते हैं. That is the philosophy I also want to live with. But अभी तक हो रहा है कि अभी तक लोग सिर्फ ह्यूमर साइड ही देख रहे हैं. ओके, आई थिंक टाइम पोस्ट कोविड होगी, मिल जाए. I know. तो अभी क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे थे आपके? जैसा आपने कुछ ऐसा शुरू किया था जो बीच में रुक गया? नहीं, बीच में कुछ भी नहीं रुका. टेलीकास्ट एक होना था विद प्रॉपर पब्लिसिटी एंड ऑल, हमारा जय हो एक सीरियल था स्टार प्लस के लिए. वो टेलीकास्ट
अचानक से उन लोगों ने ऐसे ही लॉन्च कर दिया विदाउट एनी उस सीरियल के लिए वेट भी बढ़ाया था, उस सीरियल में पूरा एक साल दिया था मैंने एंड द वेट केम ऑन एयर इट जस्ट डिड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ बज़ बट इट वाज अ गुड कॉमेडी सीरियल आफ्टर अ लॉन्ग एंड माइथोलॉजिकल कॉमेडी व्हिच आई डिड सो उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट बट नया बातचीत हो करके रखा हुआ है बट सब वर्बल लेवल पे ही है अभी रिटेन कुछ भी नहीं है सो जब होगा तब देखेंगे अभी तो कुछ तो अभी घर पे टीवी में क्या क्या फॉलो कर रहे हैं अभी रामायण भी आ रही है महाभारत आ रही है बहुत से वेब सीरीज और फिल्म्स भी रिलीज हो रही है अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आप क्या फॉलो करते हो आई एम नॉट टू डाई हार्ड फैन ऑफ सिटिंग एंड वॉचिंग ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स देयर आर लॉट अदर वर्क व्हिच आई एम यू नो प्रेफर टू डू इन ड्यूरिंग दोस टाइम्स लाइक माय मेडिटेशन में ही मेरा 2-2.5 घंटा दिन का निकल जाता है उसमें शूटिंग पे घर साफ सफाई तो यू नो टिपिकल गृहिणी टाइप रात को ना ऐसे थक गया कोई सोता है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बात है ये मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आप इतनी हेल्पफुल हैं घर के लिए यही बोलता हूँ कि दिस इज द टाइम व्हेन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट लाइफस्टाइल बट यू हैव टू ओनली लाइफ एंड लाइफ हैज ऑल द कलर्स मतलब बात हो रही थी उस दिन गौरव से तो कुछ एक छोटी सी ऐसी बात निकली जिसमें गौरव ने बोला यू नो वुमेन आर मल्टीटास्किंग एंड तो मैंने कहा ये तुमको अब रियलाइज हो रही है हिंदू ट्रेडिशन या हिंदू कल्चर या हमारे कंट्री के ट्रेडिशन में नॉट द रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशन हम लोग वी ऑलवेज डिपिक्टेड ऑल आर गॉडेस विद 10 हैंड यू नो चाहे दुर्गा हो चाहे काली हो चाहे सरस्वती बहुत सारे हाथ रखे मल्टी टैलेंटेड यू नो की मल्टी टास्किंग ये भी है, दो हाथ से ये कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं सो आई एम विद दुर्गा दीस डेज इफ नॉट काली टू फनी तो अभी अभी अपने अंदर कुछ हिडन टैलेंट आपने पाया इन दिनों इन लॉकडाउन पीरियड में जब आप घर पे मेडिटेशन भी करते हैं और इतना घर का काम भी करते हैं जी कुछ ऐसा लग रहा है ये ना एक पता नहीं बड़े तर आज में आई वो ये कि अगर आपको फास्ट ट्रैक पे दौड़ना है रेस के ट्रैक पे दौड़ना है ना मारुति 800 ले रेस ट्रैक पे सकते हैं सो बेसिकली ये पूरा लॉकडाउन could be used and should be used as a time where you enhance yourself as a being. You be 10% good, you be 10% good husband, you be 10% good father. So, and you have to act the situation, if you enhance yourself as a machine and then whatever situation comes there to handle easily and easily. So this was the time you need to introspect this was the time jab apne upar kaam ka samay tha so I think you know somewhere I have used those times okay hamara bhi abhi samay ka thoda sa shortage ho raha hai kyunki message bhi aa rahe hain but baat karne ko bahut kuch hai aap pehli baar mile hain humse to hum koi baat nahi aap number le lijiyega aap zee walon se जी बिल्कुल बिल्कुल और हम फिर लंबा इंटरव्यू करेंगे आपका जी एक नंबर आप मेरा अभी करते हैं अगर है पेपर आपका तो मेरे पास हाँ मैं आप एक काम करिएगा मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ आई विल गेट योर नंबर बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स आई कैन गेट योर नंबर आप मुझे वहाँ दे दीजिएगा और थैंक यू सो मच राजेश जी हमसे बात करने के लिए और ये वीडियो मेरे हस्बैंड को जरूर दिखाऊंगी उनको दिखाऊंगी कि देखो लोग कितना घर का काम काज करते हैं और वो आपको बहुत मानते हैं बहुत बड़े फैन है वो तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए थैंक यू राजेश जी आप भी
जी टेक केयर जी बेबी।